उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं और केदारनाथ सीट से विधायक रही सैलारानी रावत के निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई है। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना शुरू हो गया है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे भी कर रही हैं। खासकर बीजेपी का इस सीट को लेकर विशेष फोकस है। हाल ही में हुए मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव में बीजेपी इन दिनों सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। भाजपा द्वारा केदारनाथ सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों और पदाधिकारियों को इस सीट की जिम्मेदारी सौंपी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गेबोलो का कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी हो चुकी है और जनता का पूरा सहयोग बीजेपी को मिल रहा है। हम केदारनाथ सीट को भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का लोकतांत्रिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो या कोई भी चुनौती हो, हर अवसर पर कांग्रेस का बीजेपी का कैडर पूरी तरह से तैयार रहता है। 24/7 हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और इसी नाते अब केदारनाथ का जब भी उपचुनाव संपन्न होगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट कैसे किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे बूथ स्तर की कौन सी कार्यकर्ता उसकी देखभाल करेंगे, उसकी जिम्मेवारी लेंगे, तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो रहा है। और उसी नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ मंत्रीगणों को भी इस काम पे लगाया है। निश्चित तौर पर केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आने वाला।